आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण, 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान। मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोफोर्स तोप, हेलीकॉप्टर और अब पनडुब्बी। जितना खोलोगे इनके घोटाले के राज खुलते ही जाएंगे। स्वामी अग्निवेश को दिग्विजय की जीत का भरोसा, उमा भारती ने कहा चुनाव जनता और मोदी विरोधियों के बीच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा मोदी की सभी योजनाएं हुई असफल साबित, नोटबंदी सबसे बड़ी असफलता। और 72 घंटे के बैन के बाद साध्वी प्रज्ञा निकली प्रचार पर, कहा मेरे जीवन का आधार मंदिर और पूजा पाठ। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान में बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटिंग। मध्य प्रदेश की 7 सीटों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में मतदान। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये 7 सीटें भाजपा की झोली में गई थीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब समीकरण कुछ बदल गए हैं। इस बार भाजपा ने 7 में से 5 सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है। यूं तो 7 सीटों पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन सभी की नज़र टीकमगढ़ पर टिकी है, जहां से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र 6 बार से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा खजुराहो और बैतूल में रोचक मुकाबला है। खजुराहो से भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विष्णुदास शर्मा को टिकट दिया है, वहीं बैतूल से दुर्गादास उइके मैदान में हैं। भाजपा ने इन्हीं 2 सीटों पर अपने सांसदों को टिकट काटे हैं। कांग्रेस ने खजुराहो से कविता सिंह को टिकट दिया है। कविता कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह की पत्नी है। बैतूल से कांग्रेस की ओर से रामू टेका मैदान में है। टीकमगढ़ से कांग्रेस ने वीरेंद्र कुमार के खिलाफ किरण अहिरवार को उतारा है। किरण पूर्व IAS अधिकारी RN बेरवा की बेटी हैं। बेरवा दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। किरण के पति भी सरकारी अधिकारी हैं। यहाँ तीसरा दावेदार भी है, यह RD प्रजापति, जो पूर्व में भाजपा के विधायक रह चुके हैं और हाल ही में पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि प्रजापति भाजपा के वोट बैंक में शायद लगा सकते हैं। सतना में मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ 3 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में हैं। 2014 में वो महज 8,688 वोटों से जीते थे। पिछली बार अजय सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में राजा राम त्रिपाठी को टिकट दिया है। राजा राम 2009 में इसी सीट पर सपा के टिकट से चुनाव लड़े थे। वहीं दमोह सीट पर भाजपा के 4 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का मुकाबला कांग्रेस के प्रताप लोधी से है। होशंगाबाद में भाजपा के 2 बार के सांसद राव उदय प्रताप का सामना कांग्रेस के शैलेंद्र दीवान से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा पहले बोफोर्स तोप, फिर हेलीकॉप्टर और अब पनडुब्बी। उन्होंने कहा कि राजकुमार के तैयार होने तक परिवार का वफादार बैठाने की योजना बनी। उन्होंने सोचा राजकुमार आज सीखेगा कल सीखेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इनके PM देश की चिंता छोड़ अपनी कुर्सी की चिंता में लगे रहे, इसमें 10 साल बर्बाद हो गए। इससे पहले देश की जनता ने इन्हें सरकार से बाहर कर दिया। ये हमारे लिए एक ऐसा भारत छोड़कर गए जिसे दुनिया भ्रष्टाचार से जोड़ती थी, आतंकवाद से जोड़ती थी, महिलाओं के असुरक्षा से जोड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ग्वालियर और सागर में चुनावी सभा को संबोधित किया। PM ने कहा आज़ादी के 25 साल में हर भारतीय के पास बिजली, शौचालय की सुविधा होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने देश की कई पीढ़ियों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा पहली बार मध्य प्रदेश में 2.5 CM की सरकार है। यहाँ मध्य प्रदेश में इन्होंने हद कर दी। कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट ले लिया और फिर मुकर गए। मैं मीडिया में एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कांग्रेस नेता कह रहे थे कि किसानों से उन्होंने झूठ बोला है। गरीबों और आदिवासियों से अन्याय की इनकी आदत जनता अच्छे से जानती है। धन मोह और पुत्र मोह में फंसे यहाँ के कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, या इन्होंने ट्रांसफर उद्योग खड़ा कर दिया है। छोटे बच्चों का अपहरण हो रहा है, बेटियों के साथ अपराध की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मोदी ने कहा साथियों, बोफोर्स तोप, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी, जितना खोलोगे इनके घोटालों के राज खुलते ही जाएंगे। तो राजकुमार की संभालने की स्थिति नहीं थी, खुद परिवार को राजकुमार में भरोसा नहीं था,
कांग्रेस को भरोसा नहीं तैयार था और इसलिए राजकुमार तैयार होने तक परिवार का वफादार वॉचमैन बिठाने की योजना बनी और उन्होंने सोचा कि राजकुमार आज सीखेगा कल सीखेगा, सब इंतजार करते रहे। भरपूर ट्रेनिंग देने की कोशिश भी की गई लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राजकुमार के तैयार होने तक परिवार का वफादार बैठाने की योजना बनी। उन्होंने सोचा राजकुमार आज सीखेगा कल सीखेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इनके पीएम देश की चिंता छोड़ अपनी कुर्सी की चिंता में लगे रहे, इसमें 10 साल बर्बाद हो गए। इसके बाद देश की जनता ने इनको सरकार से बाहर कर दिया। ये हमारे लिए एक ऐसा भारत छोड़कर गए जिसे दुनिया भ्रष्टाचार से जोड़ती थी, आतंकवाद से जोड़ती थी, महिलाओं की असुरक्षा से जोड़ती थी। कांग्रेस के समय में जो महंगाई दर डबल डिजिट में थी वो अब कम हो गई है। वो रात भर यही सोचते हैं कि चाय वाला आखिर इतने दिन टिक कैसे गया। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने कहा, भोपाल में दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित है। स्वामी अग्निवेश ने मोदी सरकार को सिर्फ जुमलों की सरकार बताया और कहा, मोदी सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। भोपाल में स्वामी अग्निवेश मीडिया से मुखातिब हुए और बोले कि मैं यहां दिग्विजय सिंह के समर्थन में आया हूं, मुझे दिग्विजय की जीत निश्चित लग रही है। उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। स्वामी अग्निवेश ने कहा, मोदी सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, मोदी अब तक के सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारा प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा की आलोचना की और कहा, उन्होंने श्राप देकर मार डाला हेमंत करकरे को, यदि इनका श्राप सही है तो आतंकी अजहर मसूद को भी श्राप देती। बार फोन करना चाहिए कि आपने फैसला किया, उनको लाने कहना चाहिए, उनका बयान मेरा बयान। यदि कोई उनसे पूछता कि तब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब वो शहीद हुए हेमंत करकरे, आप उसके परिवार में क्यों गए थे मिलने के लिए, तो कहते मेरी गलती थी, ये कहना चाहिए था। मैं उनको गद्दार मानता हूँ, मैं उनको जो भी कहते वो ही मानता था। स्वामी अग्निवेश ने कहा, झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर हमला किया, तब से मेरा स्वास्थ्य गिरता चला गया, इसके बाद भी मेरे ऊपर कई आक्रमण हुए। उन्होंने कहा, मैं बुरखा और घूंघट हटाने के पक्ष में हूं, मैं इस तरह की प्रथाओं का विरोध करता हूं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बाद आपका स्वागत है। 72 घंटे के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध के बाद भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने साध्वी को एक नोटिस और दिया, जिस पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा, अगर मंदिर जाने पर मुझे नोटिस मिला है तो क्या कहूं, मैं सन्यासी हूं, मेरे जीवन का आधार मंदिर है और पूजा पाठ है, जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण है, गाय माता है, गंगा माता है, हमारे धर्म शास्त्र हैं, हमें अगर इनमें कोई रोकता है तो वह अपने जीवन के बारे में सोचे। भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के प्रचार पर चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए 72 घंटे का बैन रविवार सुबह 6 बजे खत्म हो गया। फिर प्रचार पर निकलने से पहले उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मैं साध्वी हूं और मंदिर मेरा जीवन है, जो मुझे मंदिर जाने से रोके वो अपने बारे में सोचे। इसके बाद वे पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंची और उन्हें विवाह वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। यहां से वे हुजूर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। जो भी नोटिस मुझे अगर मंदिर जाने पे मिला है, मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरा जीवन का आधार मंदिर है, पूजा पाठ है, आध्यात्म है, जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण है, गाय माता है, गीता माता है, गंगा माता है, हमारे धर्म शास्त्र है, हमें इनसे अगर कोई रोकता है तो वो अपने जीवन के बारे में सोचे।
दरअसल गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव से शिकायत हुई थी कि प्रज्ञा मंदिर मंदिर जाकर अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं। इस मामले में कलेक्टर भोपाल को जांच के आदेश दिए गए थे। इधर कलेक्टर ने नरेला और उत्तर विधानसभा क्षेत्र के एआरओ से रिपोर्ट मांगी। इस पर स्पष्ट हुआ कि मंदिर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मोदी सरकार की सभी योजनाएं असफल रहीं। नोटबंदी मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। मोदी सरकार अपने 5 सालों के काम की चर्चा नहीं करती। भाजपा मोदी के नाम पर वोट मांगती है और मोदी सेना के नाम पर वोट मांगते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते जिस जीएसटी का विरोध किया करते थे, प्रधानमंत्री बनते ही उसे लागू कर दिया। अब मोदी सरकार अपने 5 सालों के काम की चर्चा नहीं करती। भाजपा मोदी के नाम पर वोट मांगती है और मोदी सेना के नाम पर। देश भर में भाजपा बुरी तरह हारेगी। मोदी ने कहा, 5 साल बाद सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता को दूंगा। लेकिन मोदी ने 5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मोदी सरकार की सभी योजनाएं असफल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि सरकार में नहीं सरकार में नहीं रहने के कारण से उनकी स्थिति यही है। जैसे तालाब से मछली निकालने के बाद तड़पते हैं ना, तड़पती उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेताओं की स्थिति है। और सपना देखने से कोई नहीं रोक सकता, वो सपना देखते हैं। लेकिन जनता ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ मतदान किया है। सरकार कांग्रेस की बनी है, यह सरकार स्थायी सरकार है, 5 साल चलेगी और 23 तारीख के बाद यूपीए सरकार है। बघेल ने कहा, इस समय देश में दिग्विजय सिंह की चर्चा है। प्रज्ञा छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी करती थी, अब वो आदतन अपराधी हैं। 23 मई को यूपी की सरकार बनेगी और दिग्विजय सिंह भी जीतेंगे। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी अधिकांश बातें झूठ बोलते हैं। मोदी की बात में सच्चाई ढूंढना कठिन है। एक तरफ देश की जनता और एक तरफ मोदी हैं। अब मोदी टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी 11 सीटें जीतेगी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कहा, जब युवा मोदी जी से इम्प्रेस हो जाते हैं तो मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है। कोई मुख्य मुद्दों की गहराई में नहीं जा रहा है, रोजगार बढ़ाने पर कुछ नहीं हुआ। पित्रोदा ने कहा कि राहुल इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पिछले वर्षों में उन्होंने ये साबित कर दिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने इंदौर प्रेस क्लब में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, ये विचारधारा का चुनाव है। इस सरकार ने एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और झूठ बोला जा रहा है। पित्रोदा ने कहा, युवा जब मोदी जी से इम्प्रेस हो जाते हैं तो मुझे काफी आश्चर्य होता है। कोई मुख्य मुद्दों की गहराई में नहीं जा रहा, मुख्य मुद्दा 100 स्मार्ट सिटी, रोजगार बढ़ाने पर कुछ नहीं हुआ। पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पिछले वर्षों में उन्होंने यह साबित कर दिया है। लेकिन सब डरे हुए हैं। वाइस चांसलर डरे हुए हैं। मैंने बताया कि वाइस चांसलर अब तो कुछ कह नहीं सकते। आई सेड, लुक, यू आर वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, यू हैव टू थिंक फ्री। इफ यू आर वरीड, व्हाट विल हैपन टू दिस नेशन। सैम पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आम लोगों की आवाज है। हम जानते हैं कि जॉब कैसे दिया जाता है। मोदी सरकार ने 5 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया, हम युवाओं तक नहीं पहुंच पाए, यह हमारी कमजोरी है। पित्रोदा ने यह भी कहा कि युवाओं ने किताबें पढ़ना बंद कर दी हैं जिसमें सच्चाई लिखी है। सेलफोन और सोशल मीडिया में झूठ बहुत तेजी से फैल रहा है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देख रहे हैं दखल न्यूज।
के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश भाजपा ने चुनाव के ठीक बीच में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को बंटाधार का नया अवतार बताते हुए आरोप पत्र जारी किया है। इसमें कर्जा माफी, ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रदेश में तबादला उद्योग फल फूल रहा है और सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। इस आरोप पत्र में उनके सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कमलनाथ को बंटाधार का नया अवतार बताया है। आरोप पत्र में बीजेपी ने कहा, सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात कह दी, जबकि संविधान संशोधन के बिना ऐसा नहीं हो सकता। बेरोजगारों को 4000 भत्ता देने की बात भी पूरी नहीं हुई। कानून व्यवस्था बदहाल है, संगठित माफिया पनप रहे हैं। फिरौती के लिए मार दिए गए प्रियांश और श्रेयांश की तस्वीर आज भी आंखों में झूलती है। विधायक के उत्पाती बेटे पर कार्यवाही वाले एसपी को तुरंत हटा दिया गया। अधिकारियों को 4-4 बार तबादले किए गए। आरोप पत्र जारी करने के बाद मीडिया से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को लंगड़ी बताया और कहा कि वचन पत्र के वायदे पूरे नहीं किए गए, इसमें सभी निराश हैं। प्रदेश में 4 माह में ही त्राही त्राही मच गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। ऐसा नहीं होने पर मुख्यमंत्री को हटाने की बात कही थी, लेकिन 120 दिन बाद भी कर्ज माफी नहीं हुई। एक तरफ कमलनाथ कह रहे हैं हमने खजाना खाली छोड़ा, आज मैंने अखबार पढ़ा दिग्विजय सिंह जी के लिए भोपाल का खजाना खोल दूंगा, भोपाल का खजाना दिग्विजय सिंह के पास है, अब खाली है। या खाली खजाना दिग्विजय सिंह को सौंपोगे? दिग्विजय सिंह को जो विजन की बात कर रहे हैं, अच्छा जब विजन की बात करते हैं विकास के तो हंसी आती है, मुझे मजाक लगता है। 10 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य जिसने बना दिया, गड्ढों वाली सड़कें, अंधेरों का प्रदेश, ध्वस्त कानून और व्यवस्था, वो आज विजन की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा द्वारा जारी किए गए आरोप पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। सीएम ने कहा कि 15 साल की प्रदेश सरकार और 5 साल की केंद्र सरकार ने आज तक हिसाब किताब नहीं दिया और वह 4 महीने पुरानी सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं आरोप पत्र में मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी और उनकी तस्वीर के माध्यम से गलत चित्रण को लेकर कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा, पीसीसी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव को शिकायत की है। इसके बाद इन नेताओं ने एमपी नगर थाने में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा सहित आरोप पत्र जारी करने वाले नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, यह चुनाव भारत की जनता और विपक्ष के बीच है। विपक्ष कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, वहीं जनता का कहना है कि मोदी के सिवा किसी और को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। केंद्रीय मंत्री बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लगता है ये चुनाव भारत की जनता एवं मोदी विरोधियों के बीच है। उन्होंने कांग्रेस की हालत पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत ये है कि उनके साथ कोई भी बैठने को तैयार नहीं। अखिलेश, मायावती, ममता, चंद्रबाबू नायडू कोई भी राहुल के साथ बैठने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कुछ समय बाद राहुल और उनके परिवार के साथ चूहे बिच्छू बैठेंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे और भारत की जनता कह रही है कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके रहेंगे। मुझे लगता है कि ये चुनाव मोदी के विरोधियों और भारत की जनता के बीच में हो रहा है। कांग्रेस की खुद की हालत यह है कि कांग्रेस के साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश और मायावती जी राहुल गांधी के साथ बैठने को तैयार नहीं, ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद राहुल गांधी जी और उनके परिवार के लोगों के साथ सांप, बिच्छू, चूहे खाली यही रह जाएंगे जो उनके साथ में बैठेंगे, क्योंकि जो इस देश की जनता है वो तो पूरी तरह से मोदी जी के साथ में खड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस गरीबों के साथ आंख मिचौली खेल रही है, कांग्रेस सरकार ने गरीबों को छला है। शिवराज सिंह भोपाल में भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे।
तुमड़ा में भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां गांव वासियों ने जोरदार पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने सभा में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस गरीबों के साथ आंख मिचौली खेल रही है। कांग्रेस सरकार ने गरीबों को छला है। 2 लाख किसानों की आय नहीं है, किसानों की फसल खरीदी नहीं हो पा रही है। शिवराज ने कहा, भाजपा की सरकार में गरीब किसानों, विधवाओं, बुजुर्गों, युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई थी, पर कांग्रेस जनता को कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रही है। सभा में शिवराज सिंह चौहान ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए जनता से वोट भी मांगे, ताकि केंद्र में एक बार फिर मोदी की सरकार बने। जन्म देने के बाद 12,000 रुपए खाते में डलवाता था, वो 16,000 रुपए बंद हो गए। इलाज रामेश्वर खड़े, जब जब मुझे कहा कि गरीब को इलाज की जरूरत है, मैंने पैसे की कमी नहीं आने दी। वो गरीबों का इलाज बंद हो गया। एक्सीडेंट में मौत होती थी, मैं 4 लाख रुपए भिजवाता था, वो 4 लाख बंद हो गए। अरे और तो और, गरीब के हम मौत हो जाती थी तो अंतिम संस्कार के लिए मैं 5,000 रुपया कफन और चिता के लिए भिजवाता था। इस बेईमान सरकार ने गरीबों का कफन भी छीन लिया। मेरे बहनों भाइयों, गरीबों का कफन भी छीन। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया। इस झगड़े में एक महिला सहित कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों पर FIR कर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं के साथ की गई छेड़छाड़ के बाद यह विवाद हुआ। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बीती रात घनश्याम दास नगर में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आईं। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप था कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके परिवार की महिला का घर में घुसकर हाथ पकड़ा। जब एक पक्ष के लोगों ने समझाने गए तो दूसरे पक्ष ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी हथियारों से हमला किया, जिसमें एक महिला सहित कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के विरुद्ध पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। एक पक्ष के खिलाफ छेड़छाड़ और दूसरे पक्ष के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। हाँ, ये घनश्याम दास नगर में 2 पक्षों में पड़ोसियों में झगड़ा हुआ है, जिसमें कि दो लोग घायल हैं। एक तरफ जगदीश बंजारा और एक तरफ अतुल बंजारा, दूसरी तरफ निशा जाधव और अशोक जाधव, दोनों लोग घायल हैं। एक को तत्काल जो है हमने मुआवजा भेज दिया है और दूसरा जो है यूनिक हॉस्पिटल चले गए हैं तत्काल, और पता चला है कि उनको चोइथराम रिफ़र कर दिया गया है। तो पहले मैं जा कर के चोइथराम में घायलों से बात करता हूँ और क्यों विवाद हुआ, कैसे विवाद हुआ, फिर जो है प्रकरण का। मोदी चाय पिलाकर देश में फिर से मोदी सरकार लाने की अपील युवा सांस्कृतिक मंच कर रहा है। संत हिरदाराम नगर में युवा सांस्कृतिक मंच ने व्यापारियों एवं ग्राहकों को मोदी चाय पिलाई और कहा कि देश और राष्ट्रहित के लिए देश में मोदी सरकार का होना आवश्यक है। संत हिरदाराम नगर में युवा सांस्कृतिक मंच द्वारा व्यापारियों एवं ग्राहकों को मोदी चाय पिलाई गई। इस अवसर पर मंच के संयोजक राकेश कुकरेजा ने कहा कि आज पूरा देश चाय वाले चौकीदार के साथ है। व्यापारियों को मोदी चाय पिलाकर मोदी को समर्थन की अपील की गई। इस अवसर पर चंद्रप्रकाश इसरानी ने कहा कि आज देश एवं राष्ट्रहित के लिए मोदी जरूरी है। देश का चाय वाला आज देश का चौकीदार है। हम यहाँ पर व्यापारियों को और अन्य संगठन के जो यहाँ पर खरीदने के लिए जो आए हुए हैं, बाहर के लोग जो आए हैं, उनको मोदी चाय पिलाकर उस देश में मोदी के समर्थन के लिए अपील की है। राष्ट्रहित में देश हित के लिए मोदी बहुत जरूरी है। तो देश के चौकीदार चौकन्ना हो, देश का हर आदमी चौकन्ना हो, इसके लिए चाय पिलाकर, मोदी चाय पिलाकर यहाँ समर्थन की अपील की। भारत का चौकीदार सजग है एवं आज हमने मोदी चाय व्यापारियों को एवं जनता को पिलाकर इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी के लिए वोट देने की अपील की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि दोबारा इस देश, भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बनेंगे। हमने सबसे अनुरोध किया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। भैरन समाचार सुनाएंगे अब आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, इस समय तो नेताओं को जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। दिन में शोक सभाओं में जाते हैं, रात में शादियों में जाते हैं, दिन में आंसू बहाते हैं, रात में ठहाके लगाते हैं। बताओ, ये यदि एक्टिंग करना पड़ती है, बहुत ही एक्टर बनना पड़ता है बता रहे चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, एक वो आजम खान है जो यूपी के, वो कुछ भी बकते रहते हैं। इस बार उन्होंने चुनाव अधिकारियों पर वो दबिश डाल दी। बताओ, उन पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया चुनाव आयोग ने। 48 घंटे मुंह नहीं खोल सकते। और मैं बता रहा हूँ, आचार संहिता को है ना, ये नेता लोग आचार संहिता समझ रहे हैं, आचार बना के रख दिया, बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा तो चल रहा है। और ये खबर इधर से आ रही है, देखो ये जो एती है ना, हिममानव, उसके भारतीय सेना ने वो उसके निशान पाए हैं बर्फ पे, उसके पाँव दिखे उनको जाते हुए, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके लाए। और इस पर भी राजनीति शुरू कर दी लोगों ने। बता, वो तरुण विजय कह रहे हैं उनको उनको जानवर नहीं बोलना चाहिए। अरे माना भाई, ठीक है माना। और वो दूसरे है उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि भाजपा है ना हिम माना को है ना चुनाव में उसका फायदा उठाएगी। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा है क्या, हर चीज़ को मतलब पॉलिटिक्स करना जरूरी है। और एक खबर ये देख लो, शिवसेना ने है ना बुरके पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी है, प्रज्ञा भारती ने इसका समर्थन कर दिया है। और मैं कह रहा हूँ ये तो मांग ये सब ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये जो नेता लोग हैं इनकी जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर जो बुरका डला हुआ है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बता, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बताते कुछ और हैं। हाँ बता नहीं, ऐसा चल रहा है। और एक हमारे ये बड़े उद्योगपति हैं, नेस बाड़िया साहब, इनने हमारी नाक कटवा दी जापान में जाकर, छुट्टियां मनाने गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे क्या है, इनके पास ड्रग्स वगैरह पकड़ा गया। अरे मैं कह रहा हूँ ड्रग्स वगैरह लेना है घर पर ही ले लो ना, वहाँ क्यों जा रहे हो इतनी दूर, ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। ये खबर ये थोड़ी सी अच्छी खबर है बता रही हूँ। तो चाइना आप क्या है, मसूद अजहर पे जो प्रतिबंध लगाने का थोड़ा सा मन बन गया है इनका। मैं कह रहा हूँ बना लो मन, जब धमाके होंगे ना बम धमाके तब समझ में आ जाएगा क्या होता है आतंकवाद। हम लोग है ना बरसों से भुगत रहे, हम जानते हैं। और ये बेकार खबर हो रही है बताओ, भोपाल से, भोपाल ये बच्ची है कोचिंग से गायब हो गई, बताओ उसके साथ बलात्कार वगैरह हुआ है, उसकी हत्या हो गई। और मैं कह रहा हूँ पुलिस क्या पता नहीं क्या करती रहती है, और प्रशासन क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं। मैं ऐसे लोग जाहिल लोग कैसे ये काम कर लेते हैं बता रहा हूँ। मैं तो मतलब इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए सीधी। और मैं चला, मेरा दिमाग खराब हो गया, फांसी का फंदा बनवाने जा रही हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।